आजादी के सफर की आज की कड़ी का। आज के दिन 1905 में स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी के माध्यम से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। आज हम स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खां को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें आज ही के दिन मौत की सजा सुनाई गई थी। हम जतेंद्रनाथ दास को भी आज श्रद्धांजलि देंगे। जुलाई 1905 को कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी के माध्यम से पहली बार विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया था। कृष्ण कुमार स्वतंत्रता सेनानी और ब्रह्म समाज के नेता थे। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अरबिंदो घोष उनके भतीजे थे। कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई। हम शहीद अशफाक उल्लाह खां को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें 13 जुलाई 1927 को मौत की सजा सुनाई गई थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 1900 में धनी और शिक्षित परिवार में जन्मे अशफाक उल्लाह खां स्कूल के दिनों से ही राष्ट्रवादी गतिविधियों में शामिल होने लगे थे। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी तो अशफाक उल्लाह ने पढ़ाई छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। वो क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए। अशफाक उल्लाह उन प्रमुख हस्तियों में शामिल थे जिन्होंने 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती की योजना को अंजाम दिया था। घटना के बाद वो भूमिगत हो गए और उन्होंने अफगानिस्तान के रास्ते रूस जाने की योजना बनाई, लेकिन एक दोस्त ने धोखा दे दिया और उन्हें दिसंबर 1925 में पुलिस ने पकड़ लिया। उन पर लखनऊ की अदालत में मुकदमा चलाया गया और 13 जुलाई 1927 को मौत की सजा सुनाई गई। अशफाक उल्लाह को 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 27 वर्ष थी। शहीद अशफाक उल्लाह खां को शत शत नमन। 13 जुलाई 1929 को जतेंद्रनाथ दास ने भूख हड़ताल शुरू की थी। युवा जतेंद्रनाथ दास ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। केवल 17 वर्ष की उम्र में वो असहयोग आंदोलन में उत्साह से भाग लेने लगे थे। बाद में वो क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति में शामिल हो गए और फिर भगत सिंह और हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन में उनके साथियों के साथ मिलकर काम किया। उन्हें 14 जून 1929 को क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण गिरफ्तार किया गया और लाहौर षड्यंत्र मामले में भी मुकदमा चलाने के लिए लाहौर जेल में कैद किया गया। लाहौर जेल में जतिन दास ने अन्य कैदियों के साथ मिलकर जेल सुधार और कैदियों के अधिकारों की मांग करते हुए भूख हड़ताल शुरू की। ये भूख हड़ताल 13 जुलाई 1929 को शुरू हुई और 63 दिनों तक चली। जेल प्रशासन ने जतिन को खिलाने के लिए कई उपाय किए, जिनमें बलपूर्वक भोजन कराने के प्रयास भी शामिल थे। हालांकि जतिन ने खाना नहीं खाया और 13 सितंबर को दम तोड़ दिया। उनके पार्थिव शरीर को लाहौर से कोलकाता तक ट्रेन से ले जाने के दौरान हजारों की संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हर स्टेशन पर पहुंचे। कोलकाता पहुंचने पर सुभाष चंद्र बोस भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। नेताजी ने जतेंद्र दास को भारत का युवा दधीची बताया था। धरती माँ के इस महान सपूत को शत शत नमन।